हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मटर का पराठा बनाने जा रही हूँ और उसके लिए मैं एक बाउल मटर ली हूँ और चार हरी मिर्च ली हूँ और इसे मिक्सी के जार में डालकर इसे बिना पानी के पीसना है। मटर पीसने के बाद इसे मैं जार से निकाल लेती हूँ। ये देखिए मटर का पेस्ट ऐसे बन गया। अब मैं एक पैन को गैस पर गरम करती हूँ और जब पैन गरम हो जाता है तब उसमें थोड़ा ऑयल डालती हूँ और ऑयल को गरम होने देंगे। जब ऑयल गरम हो जाता है तब मैं मीडियम फ्लेम पे एक चुटकी हींग डालती हूँ, उसमें एक चुटकी जीरा पाउडर, आधी चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच जीरा पाउडर डालकर एक मिनट के लिए भूनते भूनते एक मिनट ये मसाला भुनने के बाद जो मटर का पेस्ट बनाई थी वो इसमें डाल देती हूँ। मटर का पेस्ट डालने के बाद इसे 5 मिनट कम आंच पे भून। अब 2 मिनट के बाद मैं इसमें नमक डालती हूँ, आधा चम्मच नमक डालते हैं, जैसे आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे भुनने के बाद देखिए मटर बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गया और अब गैस बंद कर इसे ठंडा होने दें। ये देखिए जो मैंने मटर के मिक्सचर बनाया था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं पराठा बनाना शुरू करती हूँ और उसके लिए सबसे पहले एक साइड में तवे को गर्म करती हूँ और दूसरे साइड मैं पराठा बनाना शुरू करती हूँ। उसके लिए मैं आटे को पहले से गूंद के रख ली हूँ, उसमें से मैं थोड़ा आटा लेती हूँ और उसे हाथ में ऐसे गोल गोल घुमाना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से बेलना है। थोड़ा बेलने के बाद जो मटर के मिक्सचर मैंने बनाए थे उसे लेकर इस आटे में जो मैं बेल रखी हूँ उसमें भरने हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा मिक्सचर को इसमें डालती हूँ और इसे चारों साइड से पकड़ के ऐसे करके यूँ घुमाना है। उसके बाद धीरे धीरे हाथों से प्रेस करना है, हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करना है। उसके बाद इसमें सूखा आटा लगाना है और उसे बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से बेलना है, नहीं तो पराठा साइड से फट जाएगा। ये पराठा जब एक साइड से सिक जाता है तो उसे दूसरे साइड पलट देते हैं और दूसरे साइड भी कम आंच पे सिकना होता है। दूसरे साइड भी 1 मिनट सिकने के बाद पराठे के ऊपर 1 चम्मच तेल डालते हैं और धीरे से उसे पलटते हैं और पलट कर सीखना है पराठा। ये देखिए दोनों साइड से पराठा सीख गया है। ये देखिए पराठा रेडी हो गया है और इसे बटर सॉस, टमाटर की चटनी या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं।